हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि कसाना। वेलकम बैक टू माय चैनल म्यूजिक नेट क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए कुछ MCQs लेके आई हूँ जिनसे आपको बहुत हेल्प होगी। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो ये हमारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, तो मैंने सोचा इन्हें आपके साथ शेयर किया जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राग नाम का सर्वप्रथम उल्लेख पहली बार किसके ग्रंथ में मिलता है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। दत्तिल, शारंगदेव, मतंग, सोमनाथ। इनके ग्रंथ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मैंने जो प्रीवियस वीडियो अभी अपलोड किया था उसमें मैंने 171 बुक्स और राइटर्स के नाम बताए हैं। आई होप आपने वो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने उसमें ट्रिक भी बताई थी कि आप उन्हें कैसे याद कर सकते हैं। वही ट्रिक यहाँ पे काम आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे केवल राइटर्स के नाम दिए हैं, बुक्स के नाम नहीं दिए। और पूछा है कि किस ग्रंथ में, तो हमें बुक्स भी पता होनी चाहिए। दत्तिल की दत्तिलम, शारंगदेव की संगीत रत्नाकर, मतंग की वृद्धेशी और सोमनाथ की राग विभोध। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मतंग। मतंग ने अपनी पुस्तक वृहद्देशी में राग शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। सेकंड क्वेश्चन, पूर्या घनर्षि पूर्वी थाट का राग है, ये कथन कहा गया है, और कारण है थाट में कोमल ऋषभ, कोमल धैवत और तीव्र मध्यम लगता है। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप अभिकथन के बाद क्योंकि लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, राग पूर्या घनर्षि पूर्वी थाट का राग है क्योंकि थाट में कोमल ऋषभ, कोमल धैवत और तीव्र मध्यम लगता है। तो देखा आपने, आप भी ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ कीजिए, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि लगा के किए जाते हैं। ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। राइट आंसर है ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मात्रा होगा। धमार ताल में कितनी मात्रा है? 12, 14, 16, 18। तो ये तो आपको शायद पता होगा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। धमार ताल में 14 मात्राएं हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं कि विषम ताल को पहचानिए, किस ताल में कितनी मात्राएं हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें जितनी भी ताले हैं उनकी मात्राएं दी गई हैं। एक ही वीडियो में आपको कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, तीनों की जितनी भी ताल हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो दी हैं मैंने, ताकि आप आसानी से उन्हें देख सकें। उससे आप इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, मात्रा कितनी है, विषम को पहचानिए, वो आसानी से आप कर लेंगे। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण के किस प्रकार में एक ही स्वर को बार बार गाया जाता, अवरोही, स्थाई और अंतरा? तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है स्थाई। अगर कोई बंदिश त्रिताल की खाली से शुरू होती है तो वह किस मात्रा से शुरू होगी? त्रिताल मतलब तीन ताल, तो आप तीन ताल लगा के देख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस में है 4, 7, 9, 13। तो आंसर देखते हैं, आंसर है 9। धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, नौवीं मात्रा पे खाली है, तो इसका आंसर हो गया 9। कर्नाटक संगीत में ठुमरी को क्या कहते हैं? कृति, पदम, जवाली या वर्ण? कर्नाटक संगीत में ठुमरी को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जवाली। कर्नाटक संगीत में ठुमरी को जवाली, ध्रुपद को पदम, खयाल को कृति कहते हैं। मात्राओं के आधार पर निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखिए।
तो ये कुछ ताल दी हुई हैं जिन्हें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। धमार, जत ताल, रुद्र ताल, गज्जम। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ए बी सी डी, बी सी डी ए, सी ए डी बी, डी बी सी ए। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है थर्ड, सी ए डी बी। सबसे पहले रुद्र ताल, क्योंकि इसमें 11 मात्राएं हैं। फिर आएगा धमार, इसमें 14 मात्राएं हैं। गज झंपा, इसमें 15 मात्राएं हैं। फिर आएगा जत्ताल, आखिर में इसमें 16 मात्राएं हैं। 11 मात्राएं, फिर 14 मात्राएं, 15 मात्राएं और जत्ताल में 16 मात्राएं। जो ताल वाला वीडियो मैंने बनाया है उससे आपको काफ़ी मदद होने वाली है, क्योंकि दो क्वेश्चंस अभी तक उससे ही रिलेटेड पूछे गए हैं कि कितनी मात्राएं किस ताल में प्रयोग होती हैं, क्या उनका बढ़ता क्रम क्या है, तो ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औड़व शाड़व राग में स्वरों की संख्या है। जो औड़व शाड़व राग होते हैं उनमें स्वरों की क्या संख्या होती है? 6-7, 4-5, 5-7 या 5-6। तो ये तो आपको पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, औड़व 5 और शाड़व 6। निम्नलिखित तालों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी बढ़ते क्रम में पूछा था कि सबसे कम किसकी है और सबसे ज़्यादा, सबसे कम से बताना था, अब घटते क्रम में पूछा है तो सबसे ज़्यादा वाली हमें ढूंढनी है। ऑप्शंस आप पढ़ सकते हैं, रुद्र दादरा बसंत मणि। सेकंड है दादरा मणि बसंत रुद्र। थर्ड, बसंत रुद्र मणि दादरा। फोर्थ, रुद्र बसंत मणि दादरा। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है फोर्थ, रुद्र बसंत मणि और दादरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संगीत में समय को क्या कहा जाता है? इजी है ये बहुत ही क्वेश्चन, आपको पता होगा। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट काल, सेकंड मार्क, थर्ड ताल, फोर्थ क्रिया। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है इसका थर्ड ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग मालकोंस के निषाद को शुद्ध कर देने से कौन सा राग प्राप्त होता है? फर्स्ट जोकोंस, सेकंड मधुकोंस, थर्ड चंद्रकोंस, फोर्थ बागेश्री कोंस। मालकोंस के निषाद को अगर हम शुद्ध कर दें तो हमें कौन सा राग प्राप्त होगा? ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें राग प्राप्त होगा चंद्रकोंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग काफी क्या है? ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट शाड़व, सेकंड थाट, थर्ड औड़व, फोर्थ शाड़व औड़व। राग काफी थाट है, सही कूट बताइए। इसमें आपको मैंने जैसा बताया था, फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद आपको क्योंकि लगाना है, तब नेक्स्ट लाइन पढ़नी है। तो चलिए पढ़ते हैं, राग बसंत व राग परज समप्राकृतिक राग है क्योंकि दोनों पूर्वी थाट जन्य राग है। ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या है। सेकंड ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ए सही है लेकिन आर गलत है। और फोर्थ ए गलत है लेकिन आर सही है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, ए व आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। राग बसंत और परज संप्रकृत राग हैं और ये दोनों ही पूर्वी थाट के राग हैं। विष्णु दिगंबर के शिष्य थे, तो इनमें आपको विष्णु दिगंबर जी के शिष्य बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मल्लिकार्जुन मंसूर, सेकंड ओंकारनाथ ठाकुर, थर्ड एस एन रतनजनकर, फोर्थ है हीराबाई वड़ोदकर। तो चलिए आंसर देखते हैं, ओंकारनाथ ठाकुर। विनायक राव पटवर्धन भी उनके शिष्य हैं और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरुजी हैं बालकृष्ण बुआ। तो चलिए आगे चलते हैं, किस राग में कानड़ा व मल्हार दोनों अंग मिलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मेघ मल्हार, सेकंड है सूर मल्हार, थर्ड है दरबारी कानड़ा, फोर्थ है मियां मल्हार। हाँ, इसका आंसर है मियां मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत में तराना को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कृति, सेकंड तिल्लाना, थर्ड पदम, फोर्थ पल्लवी। तो चलिए आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर है तिल्लाना। मैंने आपको बताया कृति ख्याल को कहते हैं और पदम ध्रुपद को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राग का आहरो भूपाली व अवरो यमन का होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं, फर्स्ट देशकार, सेकंड पूरिया कल्याण,
थर्ड शुद्ध कल्याण, फोर्थ भूप कल्याण। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड शुद्ध कल्याण। विषम को पहचानिए। तो इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट बेगम अख्तर, सेकंड सिद्धेश्वरी देवी, थर्ड छन्नूलाल मिश्र, फोर्थ हीराबाई पड़ोदकर। इसमें से आपको विषम को पहचानना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है फोर्थ हीराबाई पड़ोदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग समुद्र के किस समय पर प्रस्तुत किया जाता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दोपहर 1 से 4 बजे तक, सेकंड 9 से 10 बजे तक सुबह, थर्ड ऑप्शन है 5 से 7 बजे शाम को, फोर्थ है 7 से 9 बजे सुबह। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है फर्स्ट दोपहर 1 से 4 बजे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली उत्सव में कृष्ण लीला की जो रचनाएं गाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं ख्याल, सेकंड धमार, थर्ड ध्रुपद, फोर्थ ठुमरी। इसका आंसर है सेकंड धमार। धमार में हुरी के ही गीत गाए जाते हैं जिसमें श्री कृष्ण गोपियों के बारे में बताया जाता है, उन्हीं की रासलीलाओं का वर्णन किया जाता है। धमार होली के लिए ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु किसी बाह्य स्रोत से प्रेरित होकर स्वयं कंपित होने लगे तो उसे क्या संज्ञा दी जाती है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट प्रतिध्वनि, सेकंड अरुरंडन, थर्ड अनुनाद, फोर्थ उपस्वर। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है थर्ड अनुनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र में कौन से अध्याय संगीत से संबंध रखते हैं? अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नाट्य शास्त्र देखा है तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। उस वीडियो में मैंने नाट्य शास्त्र के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट 28 से 35, 28 से 34, 28 से 33, 28 से 32। इसका आंसर देखते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट, 28 से 33। सही कूट बताइए। गायक खुले मैदान की अपेक्षा प्रेक्षागृह को महत्व देते हैं क्योंकि अनुरंडन द्वारा वे नाद को सुनकर संयमित कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है, आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए गलत है और आर सही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दो या उससे अधिक रागों के मिश्रण अगर एक राग में हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट मिश्रित राग, सेकंड छायालग राग, थर्ड संकीर्ण राग, फोर्थ शुद्ध राग। तो इसका आंसर है थर्ड संकीर्ण राग। जहां पर दो या उससे अधिक रागों का मिश्रण हो तो उसको हम कहेंगे संकीर्ण राग। तो आज लगभग हमने 25 MCQs कर लिए हैं। अब मैं ऐसे ही MCQs की सीरीज़ वीकली लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में आपको आसानी होगी पेपर सॉल्व करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊं और सारे टॉपिक्स पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पर वीडियो तो बना ही रही हूँ। अगर आपको कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, जानना है जिसके बारे में, तो आप मुझे बता दीजिए कॉमेंट में, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।